तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर एंजाइम्स, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, यानी कि हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, और उसका डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स रिलीज होता है, जो कि अलग अलग फॉर्म में फूड को अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करता है और उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे लिए देखो, जब हम लोग डायग्रामेटिक देखते हैं, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, पूरा माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल, पूरा एनस रेक्टम सारा डायग्राम बनाते हैं और उसके हर एक पार्ट्स का, हर एक ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। लेकिन वहाँ पे यूँ होता है कि एंजाइम्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता, क्लियरेंस नहीं आ पाता है कि कौन सा एंजाइम कैसे डाइजेशन कर रहा था और किस चीज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। कुछ लोगों ने इसी के बारे में कहा कि सर ये क्लियर नहीं हुआ और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया, ध्यान में नहीं रहा, याद नहीं रहा कि कौन सा एंजाइम किसको कहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल तैयार कर दिया, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जिसमें कि सेपरेट हमने बिल्कुल अलग कर दिया, एक साइड कंप्लीटली सारे ऑर्गन्स को रख दिया, जितने भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को रख दिया, और उससे रिलीज होने वाले एंजाइम्स, यानी कि वहाँ पे जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे सपोज कि इंटेस्टाइन में लीवर बाइल जूस क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और गोल ब्लाडर से बाइल जूस आ रहा है, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी एंजाइम्स है, जिसका जहाँ पे रोल है वहाँ पे उस एंजाइम को इंडिकेट कर दिया है, और वो एंजाइम किस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ये भी वहाँ पे दिखा दिया है, बता दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से एकदम ऊपर से चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग माउथ से लेकर एनस तक, रेक्टम तक, ठीक है। तो चलो, अब देखो यहाँ पे माउथ, यानी कि हमारा माउथ है जिसे हम वकल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर सैलेवरी ग्लैंड है, हमारे माउथ के अंदर सैलेवरी ग्लैंड है, यानी कि थ्री पेयर्स सैलेवरी ग्लैंड है, यानी कि सिक्स सैलेवरी ग्लैंड है, और ये थ्री पेयर्स सैलेवरी ग्लैंड आपस में मिलकर स्लाइवा का सिक्रीशन करता है, स्लाइवा बनाता है, यानी कि लार का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब देखो यार, सैलेवरी ग्लैंड सीक्रेट स्लाइवा, यानी कि किसका सिक्रीशन कर रहा है, स्लाइवा का, लार का सिक्रीशन कर रहा है। स्लाइवा मतलब क्या होता है, लार, तो स्लाइवा का सिक्रीशन कर रहा है। स्लाइवा ने क्या किया, सैलेवरी, स्लाइवा में सैलेवरी एमाइलेज था जिसने स्टार्च को सुगर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो स्लाइवा का सिक्रीशन हुआ था हमारे माउथ के अंदर, सैलेवरी ग्लैंड ने स्लाइवा का सिक्रीशन किया था, और उस स्लाइवा के अंदर क्या था, सैलेवरी एमाइलेज, और सैलेवरी एमाइलेज ने स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, सुगर में, यानी कि जो हमने स्टार्च लिया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सुगर में। यही कारण है कि जब भी हम रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, और जब हम लोग खाते हैं उसे तो हमें मीठा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च को सैलेवरी एमाइलेज सुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, टीथ, हमारे माउथ के अंदर दांत है, यानी कि टीथ है, ठीक है। इसका काम क्या है, फूड को क्रश करना, फूड को चबाना, फूड को तोड़ना, और तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये हमारे अंदर जा नहीं पाएगा, हमारे ऑइसोफेगस में जाने में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हमारे दांत का काम है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, मैंने क्या था, टीथ, चेविंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को चबाने का काम करता है, उसे ग्रीड करने का काम करता है, उसे ग्रिंडिंग का काम करता है, यानी कि तोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट है टंग, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जीव है, हमारे माउथ के अंदर जीव है, और जीव का काम क्या है, टंग का काम क्या है, फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करना, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है उस सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, यानी कि जो भी सलाइवा है और फूड है दोनों को मिक्स कर देता है, कौन मिक्स करता है, टंग, यानी कि
जेब, ये हो गया। साथ में फूड को मिक्स कर रहा है, फूड को मिक्स कर रहा है, साथ में हमारे माउथ के अंदर टंग का काम, टेस्टिंग का भी है। हमारे टंग पे अलग अलग टेस्ट वर्ड है जो कि टेस्ट को रिसीव करने का काम करता है, यानी कि जैसे हम लोग खट्टा तीता मीठा जो भी खाते हैं तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट वर्ड है, और वो अलग अलग टेस्ट वर्ड टेस्ट को रिसीव करता है, टेस्ट को पता करता है कि हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, टेस्टिंग ऑफ फूड। अब देखो ऑइसोफेगस, माउथ के बाद, यानी कि ये जो हमारा माउथ है, वोकल कैविटी है, उसके बाद यहां से फूड पाइप स्टार्ट हो गया, यहां से फूड पाइप स्टार्ट हो गया, उसी फूड पाइप को कहा गया ऑइसोफेगस। क्या कहा गया? ऑइसोफेगस, उसी फूड पाइप को बोला गया ऑइसोफेगस। अब ये ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होगा, और इस मोमेंट की मदद से फूड नीचे की ओर फूड बढ़ेगा और स्टमक में जाएगा। अब देखो यहां पे, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू ऑइसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। क्या है? ऑइसोफेगस टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ऑइसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, यानी कि ऑइसोफेगस माउथ से फूड को रिसीव करेगा किसकी मदद से? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट्स की मदद से, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट की मदद से। ये कुछ इस तरह का मोमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। ठीक है, अब देखो उसके बाद है स्टमक। आप जैसे ही फूड ऑइसोफेगस में गया तो ऑइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ इस तरह से, तो वो मूवमेंट के कारण फूड आगे की ओर ढकला रहा था, आगे की ओर फ्लो कर रहा था, वो फूड आगे की ओर फ्लो करता हुआ चला गया हमारे स्टमक के अंदर। जैसे ही स्टमक के अंदर फूड गया, अब वहां पे अलग अलग एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा, और अलग अलग एंजाइम्स फूड को अलग अलग फॉर्म में तोड़ेगा, यानी कि जो फूड हमने लिया था वो कैसा फूड था? कॉम्प्लेक्स फूड था, यानी कि जटिल फूड था। जैसे आपने क्या खाया था? चावल खाया था, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, पता नहीं क्या क्या खाया आपने, आप जाने। तो जैसे ही हमारे स्टमक में गया वो कॉम्प्लेक्स फूड था, जटिल फूड था, तो सबसे पहले उसको तोड़ा जाएगा, उसे मुलायम किया जाएगा, उसे पेस्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मिक्सी में सारी चीजों को डाल देते हो, धनिया मिर्चा, और उसको मिक्सी को स्टार्ट कर देते हो और वो पेस्ट बन जाता है, तो बिल्कुल हमारे स्टमक में भी ऐसे ही उसको पेस्ट की तरह कन्वर्ट किया जाएगा, पेस्ट की तरह बनाया जाएगा, ताकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने में इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्टमक के अंदर गया, यहां पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, और उस गैस्ट्रिक जूस में थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम है। एक है पेप्सिन, दूसरा HCl, और तीसरा म्यूकस। तीनों का अलग अलग रोल है। पेप्सिन ने क्या किया, जैसे ही पेप्सिन का सिक्रीशन हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि हमने जो खाना खाया था उसमें प्रोटीन था, प्रोटीन को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया, इसे तोड़ दिया। नेक्स्ट HCl, HCl ने मैक्स मीडियम एसिडिक, HCl ने एसिडिक मीडियम बनाया, यानी कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाया। किस लिए? अब यहाँ पे देखो बहुत एक अजीबोगरीब सा सवाल है कि जब स्टमक के अंदर, स्टमक एक मस्क्यूलर टिश्यू है, तो उसके अंदर एसिडिक मीडियम बनाने की क्या जरूरत है? जब एसिडिक मीडियम बनाएगा तो स्टमक वॉल डैमेज भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल डैमेज हो सकता है, लेकिन वहां पे एसिडिक मीडियम बनना जरूरी है, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तो फूड पूरी तरह से, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया था वो पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनेगा। सपोज कुछ लोग क्या करते हैं, चिकन मटन खाते हैं तो वो हड्डी तक कुछ चबा जाते हैं और निगल जाते हैं। आप सोचो कि अगर हड्डी का अगर बारीक
पिसा हुआ कण भी है, दांत से पिसा हुआ कण भी है या छोटे छोटे कण है, और अगर स्टमक के अंदर चला गया और स्टमक से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को फाड़ देगा ना, लेकिन स्टमक ऐसा नहीं होने देता है। स्टमक के अंदर जो HCl है ये ऐसा नहीं होने देता है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाईली एसिडिक होता है। और HCl अगर बोन भी कोई अगर कोई बोन भी चला गया हमारे स्टमक के अंदर तो बोन से कैल्शियम को अलग कर देगा और उसे कार्टिलेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर हम बोन से कैल्शियम को अलग कर देंगे, हड्डी से कैल्शियम को अलग कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज हो जाएगा। अब वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला भी गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन आसानी से उसे डाइजेस्ट कर देगा। तो मिली यहां पर इसीलिए मीडियम एसिडिक होता है ताकि फूड को पूरी तरह से पेस्ट बना दिया जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जैसे आप मिक्सी में मसाले को पीसते हो, है ना, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस को पेस्ट बना देते हो, बिल्कुल हमारे स्टमक के अंदर भी वैसे ही पेस्ट बना दिया जाता है HCl के द्वारा, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट म्यूकस। अब ये क्या है? इसमें लिखा है हमने प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के हमारे आमाशय हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब सवाल यह है कि यहां पे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी? तो जरूरत थी क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है जो कि हाईली एसिडिक है। और हमने अभी कहा था कि अगर बोन्स भी हमारे स्टमक में चला जाए, हमने बोन्स को खा लिया, किसी ने बोन को खा गया, हड्डी को खा गया, तो उससे कैल्शियम को अलग कर देता है। तो सोचो जब ये बोन्स को हड्डी को गलाने की क्षमता रखता है तो हमारे स्टमक का जो दीवार है, हमारे स्टमक का जो वॉल है, उसे भी तो डैमेज कर सकता है, उसे भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है, और ये नुकसान पहुंचाता भी है। यही HCl जब अटेंडम रिलीज होता है तो स्टमक के अंदर स्टमक बॉल को गला देता है और उसी के कारण स्टमक के अंदर अल्सर होता है, जिसको बोला जाता है स्टमक अल्सर, उसी को बोला जाता है स्टमक अल्सर, जिसके कारण पेट में पेन भी होता है, वोमिटिंग भी होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेनली ये म्यूकस जब HCl का सिक्रीशन होता है स्टमक के अंदर, जब HCl का सिक्रीशन होगा ठीक उससे कुछ देर पहले म्यूकस का सिक्रीशन होगा, और म्यूकस पूरे स्टमक बॉल को, जो स्टमक की दीवार है, पूरे स्टमक बॉल को चिपचिपा बना देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है। और जब लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर दिया तो अब HCl जब रिलीज होगा तो HCl स्टमक बॉल को टच ही नहीं कर पाएगा, नहीं टच कर पाएगा तो वो स्टमक बॉल को कुछ डैमेज नहीं करेगा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेनली यही रोल है म्यूकस का, जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है स्टमक के इनर लाइनिंग को, यानी कि अंदरूनी दीवार को। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहां पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग चले आते हैं स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड पहुंचा, यानी कि हमारे स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, अब वहां पे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया वहां पे लीवर है, पैंक्रियाज है, लीवर है और पैंक्रियाज है। देखो वहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि लीवर से जो डक्ट आता है उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, और जो पैंक्रियाज से डक्ट आता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, और दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कॉमन डक्ट या फिर हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और जो बाइल जूस को लाने का काम करता है उसको बोलते हैं बाइल डक्ट, और इसको दोनों कंप्लीट दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट या फिर कॉमन डक्ट। अब चलो तो लीवर ने किस क्या सिक्रीशन किया, लीवर ने किसका सिक्रीशन किया, बाइल जूस का। लीवर किसका सिक्रीशन किया,
बाइल जूस का, यानी कि लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, और बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और जब जरूरत होगा तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां से बाइल जूस आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। तो लीवर किसका सिक्रीशन किया? बाइल जूस का। और पैंक्रियाज ने किसका सिक्रीशन किया? पैंक्रियेटिक जूस का, ठीक है। कॉमन डक्ट से ये चला आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या है? तो मिली यहां पे हमने इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के अंदर थ्री एंजाइम्स को लिखा, थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को यहां पे हमने शो किया है, जिसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर रहा है? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था उस कार्बोहाइड्रेट को इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने फैट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, यानी कि जो हमने खाना खाया था उसमें जो फैट था, चर्बी था, उसको इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो प्रोटीन, प्रोटीन को इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज है, अमीनो एसिड में, यानी कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। हाँ, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, इस तरह से टू टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो ये क्लियर हो गया, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पैंक्रियेटिक जूस। अब हम लोग पैंक्रियेटिक जूस पे चले आए कि पैंक्रियेटिक जूस का क्या काम है, पैंक्रियेटिक जूस का क्या फंक्शन है, पैंक्रियेटिक जूस क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो पैंक्रियेटिक जूस ने, पैंक्रियेटिक जूस ने ट्रिप्सिन को पैंक्रियेटिक जूस में ट्रिप्सिन था जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसके अंदर ट्रिप्सिन का सिक्रीशन हुआ, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, लाइपेज, लाइपेज का सिक्रीशन हुआ जो कि इम्यूलसीफाई किया, किसको, फैट को, यानी कि फैट का इम्यूलसीफिकेशन हुआ, और वो किसने किया, लाइपेज ने, लाइपेज के द्वारा फैट का इम्यूलसीफिकेशन हुआ, लाइपेज ने फैट का इम्यूलसीफिकेशन किया, और जब इम्यूलसीफिकेशन हुआ फैट का तो फैट किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो मिली ये था पैंक्रियेटिक जूस का फंक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया, यानी कि पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, और लाइपेज ने इम्यूलसीफाई किया, किसको, फैट को, और किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब देखो नेक्स्ट, लार्ज फैट ग्लोबुल्स, जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स था मेनली, जो बाकी जो भी था, लार्ज फैट ग्लोबुल्स, जो फैट्स के बड़े ग्लोबुल्स थे, उसको क्या किया, अब उसका डाइजेशन नहीं हुआ मेनली, बाकी जितने भी एंजाइम्स थे वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको तोड़ नहीं पाया, तो उसके लिए कोई ना कोई तो स्पेशल होना चाहिए जो उसको ब्रेक कर सके, उसे तोड़ सके। तो मिली अब उसके लिए आया यहां पे बाइल जूस। हाँ, बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ, ये वैसा फैट है जो कि बाकी एंजाइम से कन्वर्ट नहीं हुआ, बाकी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ, टूट नहीं पाया, ये बच गया, तो इसको तोड़ने के लिए बाइल जूस आया, यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ। बाइल जूस इस लार्ज फैट ग्लोबुल्स को इम्यूलसीफाई करेगा, यानी कि इम्यूलसीफिकेशन करेगा, और इम्यूलसीफिकेशन करके इसको
स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसको फिर से देख लो, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो कि हमारे अंदर डाइजेशन नहीं हुआ, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ। और बाइल जूस का सिक्रीशन किसने किया था? लीवर ने। बाइल जूस को किसने बनाया था? लीवर ने। और बाइल जूस ने लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का इम्यूलसिफिकेशन किया, उसे इम्यूलसिफाई किया, और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो यहां पे है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये तो सारी चीजें हो गई, अब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो भी उसमें एंजाइम्स है, मिनरल्स, विटामिन्स जितने भी है, सबका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से सेल्स में चला जाएगा। अब यहां देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अब जो इसमें जितने भी यहाँ पे डाइजेशन हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस जितना भी एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट बच रहा है वो वाटर के साथ चलाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही आया, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उस फूड के अंदर जो हमने फूड खाया था, और उसका डाइजेशन हुआ, और उसके साथ जितने भी वाटर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका रीजन है, अगर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर सेल में ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो वाटर कहां से मिलेगा? तो यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन राइज करता है, क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन बॉडी पे एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है। मोस्ट ऑफ लोग इसको गलत टिक आउट करके चले आते हैं, गलत ऑप्शन सबमिट करके चले आते हैं, या फिर आंसर गलत दे करके चले आते हैं। तो मोस्ट ऑफ वाटर यानी कि एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, हमारी बड़ी आंत में होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन से जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, तो मिलिए अब उसमें क्या बच गया? बेकार चीज है जिसका हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी में रहेगा तो और नुकसान पहुंचाएगा, तो अब उसे क्या है, बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना है। तो मिली वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम होता है, और रेक्टम में जाकर टेम्प्रोरी ये यानी कि जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो टेम्प्रोरी वहां पे कुछ देर के लिए वहां पे स्टोर हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया है टेम्प्रोरी कलेक्शन ऑफ बेस्ट, यानी कि रेक्टम का काम क्या है, टेम्प्रोरी कलेक्शन ऑफ बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है, उसे कुछ देर के लिए ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एनस। एनस का काम क्या है, हेल्प इन इजेशन, यानी कि जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में, यानी कि इजेशन करने में, बॉडी से बाहर निकालने में, बॉडी से बाहर थ्रो आउट करने में मदद करता है, और इसी के मदद से एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मेरे लिए ये था एनस, और यही था पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, इसको घर पे थोड़ा देख लीजिएगा।